मंडे न्यूज। माशरे की खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने खबरों की तिजारत करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात बताई। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने क्राइम टुडे न्यूज से मुखातिब होकर कहा कि रियासत तेलंगाना में जितने भी मुसलमानों के कब्रिस्तान मौजूद है, उन सभी कब्रिस्तानों में फ्री तदफीन होनी चाहिए। हजारों रुपए की रकम लेकर खबरों की तिजारत करने वाले मुतवलियों पर अब सख्त कार्रवाई होगी। मोहम्मद सलीम ने बड़ी ही सख्ती से ये भी कहा कि जो भी रियासत तेलंगाना के कब्रिस्तानों के मुतवली या निगरानकार ऐसा काम करेंगे तो पहले उन्हें 1 से 2 नोटिस भेजे जाएंगे, फिर भी अगर वो नहीं सुधरे तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा, चाहे वो कितने भी रुसुखात वाले क्यों न हो। वक्फ बोर्ड सदर ने आवाम को शिकायत दर्ज कराने के लिए टेलीफोन नंबर भी दिए हैं 0402323404, 0406610628। इन नंबर्स पर आप सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक डायरेक्ट CEO से बात कर सकते हैं। नाजरीन, इसके अलावा भी अगर कोई कब्रिस्तान का जिम्मेदार पैसे पूछे तो आप क्राइम टुडे न्यूज के स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपकी आवाज उन तक जरूर पहुंचाएंगे जो इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि क्राइम टुडे न्यूज आवाम की आवाज को हुकूमत तक पहुंचाता आ रहा है और इंशाल्लाह पहुंचाता रहेगा। मोहम्मद गौस और शेख वाहिद के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। कहाँ तक सच है और कितने अभी तक कब्रिस्तानों में आप नोटिस भेजे? इसमें सच झूठ का क्या रहता है इसके अंदर? अभी तक तो कोई कंप्लेंट आए नहीं हमारे को। कंप्लेंट आए तो बराबर ऑफिशियल को लाके दिया कंप्लेंट पेपर पे लिख के, ऐसा सता रहे हुए। बल्कि महल के 6-8 लोगों के सैनों के साथ अगर कोई आए तो बराबर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, जैसा कि आप बताए थे कि कोई भी अगर रहा तो आपके पास आके बोलने के लिए, हाँ, CEO को भी बोल सकते हैं आके, डायरेक्ट CEO को बोल सकते हैं, चेयरमैन को बोल सकते हैं, समझे आप। और चेयरमैन के फ़ोन पे कॉल करके ऐसा हो रहा वैसा हो रहा बोल तो कोई भी फ़ोन अटेंड नहीं करते, डायरेक्ट आके यहाँ पर बोलना है वक्फ बोर्ड को। फ़ोनों पे कौन बात कर रहे क्या हो रहा हमको नहीं मालूम होता, फ़ोन को अटेंड नहीं करेंगे हम बिल्कुल। अब डायरेक्ट यहाँ आके बोलो, इमीडिएट यहाँ से फ्लाइंग स्क्वाड भेजा के उसको मुतवली को कोई भी रहे तो उससे हम बात करेंगे। जब कितने नोटिस में वो तो मुतवली को आप बर्खास्त करेंगे? तीन नोटिस देंगे, चौथी नोटिस को बर्खास्त नोटिस देंगे, उसके बाद में नहीं सुधरे वो लोग तो फिर डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लेंगे सीधा सीधा। कब्रिस्तानों को मंथली कितना अमाउंट जाता साहब? जो अमाउंट नहीं जाता है साहब, मतलब उसका किराए रहते, प्रॉपर्टीज है उसके, मलगिया रहते, वो रहते, दरगाह रहते उसकी, वो फंड आता वो आता, तो वो लोग उससे मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये खाली पीली के पब्लिक को परेशान करना, मुसलमानों को परेशान करना, खबर को इतने 2 लाख दो, 50,000 दो, 10,000 दो, 5,000 दो, ये बिल्कुल गलत है। 1 रुपया नहीं लेना चाहिए, फ्री तदफीन होना चाहिए, फ्री तदफीन होना है, समझे आप। और ये फोन नंबर आ डाल के करके लोग खाली पीली के परेशान करने के काम आए, वो बिल्कुल फोन उठाते नहीं, वो बात होती नहीं, वो सीधा ये आना वक्फ बोर्ड को आके वक्फ बोर्ड की टाइमिंग पे रुजू हो सकते हैं। सर, आपकी वक्फ बोर्ड की मेन टाइमिंग क्या है, कब से कब तक आने की? सुबह 11 बजे से 5-6 बजे तक CEO साहब रहते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट CEO साहब को आके बोल सकते हैं। और मैं जो है ना, हमारी टाइमिंग का कोई भरोसा नहीं रहता, कभी 11 बजे से 2 बजे तक रहते हम, कभी 3 बजे से 6 बजे तक रहते, कोई टाइम फिक्स नहीं रहता। यहाँ CEO रहते, इमीडिएट कंप्लेंट कर सकते हैं, फिर हम उसको एक्शन ले सकते हैं सीरियस। और एक चीज़ साहब, जो खबरों में जो हड्डियाँ हुए रहते हैं वो निकाल के, इससे पहले स्टिंग ऑपरेशन भी करे थे, वो निकाल के क्या करे थैलों में डालते रहे, वो जो ब्लैक मैजिक में यूज हो रहा हो, तो उसके बारे में क्या एक्शन लेना? गलत है, आगे कंप्लेंट करे तो उसके ऊपर भी एक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत काम को तो हम छोड़ेंगे नहीं, कोई भी रहने दो, कोई भी रहने दो, बड़े से बड़ा आदमी रहने दो, हम किसी की सुनने वाले नहीं है, सीरियस उसके ऊपर एक्शन लूंगा। उस पर कुछ इसमें ऑनलाइन नंबर वगैरह कुछ ऐसा आएगा सर, कॉन्टैक्ट करने का? ऑनलाइन नंबर की जरूरत नहीं है ना, वो भी ऑफिस टाइमिंग पे काम करता ना। वो नंबर दे देंगे आपको, देखिए। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, मैं MS अली।